नमस्ते प्रणाम, हम प्रमोद प्रेमी आप सबके भाई। अभी हमने शूटिंग करते हैं जहाँ इंग्लिश बोले है बोलमुआ और जेकर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भोजपुरी के माने जाने रितेश ठाकुर जी बड़े भैया हैं और उनका फिल्म हम कर रहे हैं और उसमें निशा जी भी हीरोइन है और एक और हीरोइन है जो बिग बॉस से हैं, उनका नाम कृति वर्मा है। हम लोग आज 10 दिन से शूटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा सा शूटिंग चल रहा है जी। तो निशा जी का और आपका केमिस्ट्री कैसे चल रहा है? केमिस्ट्री का काम हम लोग को करना है, अच्छा से अच्छा मिलकर अपना काम परोसना है आप लोगों के बीच में। तो रउआ से क्या कहने की इंग्लिश बोला है मेहरारू कहती है इंग्लिश बोला है बोला मुआ औरत कहती कि बोलते हैं तो अच्छा लगता है। मेरा एक गाना आया था उसी पर टाइटल ठाकुर साहब रजिस्टर्ड कराए उसी पर फिल्म बन रहा है। दो लाइन सुना दी गाना है। हम गोले रहने हर तका कर ली पढ़ाई ए राजा जी, कुछ पढ़ के सुनाई ए राजा जी, किराउर मीठी मीठी बोलिया पसंद पड़ता तैंगली से बोले बोलमुआ सुने के मन करता। बहुत ही काफ़ी हमारा प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट चैनल से हमारी गाना आई रहे, काफ़ी धूम मचा रहे और वही पर आधारित फिल्म बनाता है। सिंगर बानी निशा जी सिंगर बानी दो सिंगर हीरोइन बानी तो कैसन का हाल चाल? बढ़िया भाई, हो के गायिका बानी नायिका बानी हम हो सिंगर बानी प्रयास करते नहीं नायक बने के। आप सभी प्यार आशीर्वाद जी। निशा जी आपका क्या चाहब? सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और क्या बोलूँ, आप सवाल पूछे जवाब देते हैं जी। कैसन कमिस्ट्री चला था दो सिंगर? पहली बार काम कर रहे हैं हम लोग साथ में, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि पहली बार काम कर रहे हैं, क्योंकि इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव और बहुत जो भी हमारे सीन्स अभी तक हुए सब बहुत ही नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़िया काम किया, अच्छा लगा। फिल्म का नाम है इंग्लिश बोला है बड़ा है, अलग हटके नाम इन्होंने बताया, इनके गाने पे ही फिल्म का टाइटल रजिस्टर किया गया है और स्टोरी भी उसी बेस पे भी है तो अच्छा डिफरेंट है थोड़ा सा। क्या किरदार है इसमें आपका? ये तो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि फिर रिवील के तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, स्टोरी सीक्रेट रखनी है ना हम लोगों को। भाई आप बताओ चाहे आप हम तो बताइए मुझे भैया ही मास्टर आई रहता रही हम एगो बहुत अनपढ़ इंसान के साथ ड्रेस देख के पता चल ही रहा होगा। देखिए हमार उम्र 30 बरिस बा, बाकी ऐसे 30 बरिस का 28-27 उम्र बा हमार, आई मैं बचपना के हमार सीन देखावल गेल बाकी इच्छा पीले बा पढ़े लिखे के तो गाँव में स्कूल में पढ़ावत रही मैडम जी तीन पास जाते हम पढ़े खातिर इन नजर उठा लगल बने का। हाँ ये हमारे मेहरारू एक जानी बारू कजरा लगा के भेज तारी कि जा राजा जी पढ़े रहा तो यहाँ के स्कूल में हम जाते नहीं पढ़े ये कुल अथी चला डबल ड्यूटी कर रही है घर में अलग मेहरारू से काजल लगवा रहे हैं स्कूल में अलग से सीख रहे हैं डबल डबल कार चल रहा है इनका। नहीं फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात कर जाए फिल्म के डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं और प्रोड्यूसर हमारे राम प्रजापति जी जिनके साथ मैंने पहले स्वर्ग किया तो उसी प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म और दूसरी बार आप भी रिपीट हुई हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है जब एक ही प्रोडक्शन हाउस से बार बार काम मिलता है तो खुशी होती है, अच्छा लगता है कि सामने वाला हमें कोऑपरेट कर रहा है, हम सामने वाले कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, अच्छा लगता है। शूटिंग को लेकर कितना एंजॉय कर रहे हैं? शूटिंग क्योंकि आप देख सकते हैं लोकेशन बहुत ही हम लोग सिटी से बहुत ही आउट में आए हुए हैं, जंगल में आए हैं यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, इवन नेटवर्क भी बहुत कम आ रहा है हमारे फ़ोन में, तो शूटिंग पे हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं, बाकी सारे इंटरटेनमेंट हमारा बंद हो चुका है, टीवी वीवी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम स्टक हो गए हम लोग। तो ये पुराने जमाने की याद आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है हम मतलब जो सेट पे आते हैं तो हंसी मजाक करके एक दूसरे से इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, रूम में जाने के बाद एकदम सॉरी जी। तो अब तक का शूटिंग जो चलाता है का माहौल कैसा बीता अब तक? आज हमारी शूटिंग का लास्ट डे है और ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक पैकअप हो जाएगा, पूरी फिल्म हो चुकी है और सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, इवन प्रमोद जी और एक और जो हमारी हीरोइन है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारा यूनिट हमारा बहुत अच्छा है और सबने मिलकर बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है। आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा और हमें ढेर सारा आशीर्वाद। फिल्म के प्रोड्यूसर राम प्रजापति जी की बात की जाए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, क्योंकि हमारी स्वर्ग जो फिल्म बनी थी वो भी बहुत पारिवारिक फिल्म थी और ये भी बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है और
हमारे डायरेक्टर जो है उनके साथ भी मैं पहले काम कर चुकी हूँ, बहुत पहले काम किया था जब छोटी थी तब, अब बहुत सालों बाद फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो सब मतलब पूरी यूनिट बहुत अच्छी है हमारी। आपका क्या चाहो राम अच्छे इंसान है और यहाँ का दूसरा ही फिल्म बा हमारा खाली तो पहलका बा पहले भी यहाँ की फिल्म पहले बने राम जी के तो बहुत अच्छे और दूसर बने बहुत अच्छे इंसान बने वहाँ बड़ी सपोर्ट सरकार फिल्म में वो एक्टिंग भी कर रहे हलवाने फिल्म आई हाँ एगो हल्का सीन में बरियारी है हमने पंजा के ऊपर लीजिए आप फिर जैसे लग रहे हैं निशा जी के साथ उनका एक सीन फरमाया गया फरमाया गया एक छोटा सा सीन वो कर रहे हैं प्लस बैक में हमारी की स्टोरी है उसमें ऐसे शौकीन नहीं है लेकिन सब लोगों ने बहुत फोर्सफुली उनको बोला तो ही वाज ओके कि चलो ठीक है कर लेते हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहिए यही कि आप सब लोग हमें ढेर सारा प्यार दीजिए हम पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं आगे भी आप सबका प्यार मिलता रहा तो करते रहेंगे आप सब लोग हमारी जितनी भी फिल्में आ रही है इनकी पर्सनल फिल्में या मेरी या हम दोनों के साथ में तो सबको ढेर सारा आशीर्वाद प्यार चाहत की रोगा सब सब कोई के प्यार दीजिए भी स्टेट में भोजपुरी में हीरो हीरोइन सबके आप सब आशीर्वाद प्यार देते हैं और यही तरह आगे बढ़ा छठ गावे तिहार में पता था समूह गायल जो हमने के बना के गए पारंपरिक है गाय की निशा जी एगो गा दी रहा बस चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकात जाए बनी ना बालमा जी कहरिया बहंगी घटे पहुँचाए बहंगी छठी माई के जाए आपका एक छठ गाना पारंपरिक आपने अभी जो गाया है वही गाती थी ना जो नया रिलीज हुआ है मैं वो गौले है ताकि पारंपरिक हम वो सुनाई दे वो माइयो बहन लोग गावे ला हमारा के किसट में गौले रहनी गाना हर के कोसी भरे चलाली गौरा दे सवा लाख के साड़ी भीजे सवा लाख के साड़ी भीजे भीजता तो साड़ी मोरा भीजे दे कोसी मोरा नहीं भीजे बहुत ही अच्छा ही पारंपरिक गीत थे लेकिन बिहार में गावे और छठी मैया सबके मन के मनोकामना पूरा कर सी है मैंने हमनी को ओर से आप सबके माई से विनती रही कि सबके मनोकामना पूरा बहुत बहुत नमस्ते थैंक यू।